हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यार आज हम करने वाले कंपैरिजन और यहाँ पे देखने वाले हैं वैसे सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा क्रिएचर लगता है। वैसे कैटनैप का पॉपी डे पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 के गाइस आज हम देखेंगे यहाँ पे क्रिएचर। सबसे पहले हम चेक करेंगे कैटनैप को जो कि होने वाला है गैरी मोड के अंदर। गाइस इसकी पावर देखेंगे और इसके जंप स्केयर वगैरह देखते हैं। फिर उसके बाद गाइस हम माइनक्राफ्ट वाले के अंदर भी देखेंगे कैटनैप आखिरकार कैसा दिखता है। क्या वो गैरी मोड वाले जैसा खतरनाक दिखता है कि एक नंबर का पपलू दिखता है। ओए ये क्या मुन्ना, ये टकला कौन है भैया? ये है साइंटिस्ट और इस साइंटिस्ट की वाट उसने देखो कैसे लगा दी। ओए साइंटिस्ट को तो इसने एक ही बार में खा लिया। ए भैया सही कहा, अभी यहाँ पे सोल्जर भेज देते है। ओए सोल्जर को गोली मार रहे हैं लेकिन उसको पता नहीं कि वो कौन है। भैया तो डर भी नहीं रहा है लेकिन गाइस अब इसके साथ बहुत बुरा होने वाला। और ये गया, ओए इनविजिबल कर दिया, उसकी खाली गन रह गई नीचे। हे दोस्तों अभी यहाँ पे इसको भी लगाते भैया। ओए इतने सारे बंदे भैया, यहाँ पे पूरी की पूरी आर्मी लगा दी मैंने। ओके गाइस देखते क्या कैटनैप यहाँ पे सारी की सारी आर्मी को मार पाएगा कि नहीं। ओए क्योंकि एक एक को ये मुन्ना बहुत स्लो तरीके से मारता है तो ये नहीं मार पाएगा। ओए अरे भैया, ओ भाई एक को साथ में गाइस एक और तोड़ा दिया। लेकिन मुझे लगता है भैया अभी यहाँ पे गाइस कैटनैप को इन लोगों ने मार दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा थे। ओए कैटनैप इनके गन के सामने नहीं टिक पाया। हे भैया सही कहा। फाइनली गाइस अब यहाँ पे कैटनैप सम स्केयर देखेंगे। ओए ये पीछे लग गया, अरे बाप रे भाग मुन्ना। हे भैया रुको गाइस यार देखते क्या होने वाला है, क्या ये मुझे मारेगा। ओए अरे बाप रे भटका दिया मुन्ना। हे दोस्तों अब ये काम सीधा गए। ओए ये क्या मुन्ना, यहाँ पे तो ये घोड़े बेचने वाला बंदा घूम रहा है। ये दोस्तों हम आ चुके माइनक्राफ्ट में और माइनक्राफ्ट का कैटनैप वैसे भैया इतना पावरफुल नहीं नजर आ रहा लेकिन इसने घोड़े बेचने वाले का घोड़ा भी खा लिया और साथ में घोड़े वाले को भी खा लिया भैया। ओए इसके लेग वगैरह में कोई मूवमेंट नहीं मुन्ना, ये तो बस स्लाइड कर रहा है। अरे हाँ वैसे गाइस यार ये स्लाइड कर रहा है वाला कैटनैप भैया। ओए ये तो काफी डेंजर है इसके। अरे बाप रे ये क्या, ए भैया मैंने विलेजर को यहाँ पे भेज दिया। और ये क्या भैया, विलेजर तो गया आने से पहले इसका काम निपटा दिया वहां पे। ओए एक और लगा मुन्ना, ये मार कैसे रहा है, ये तो पैर के बीच में फंसा दे रहा बस। ए भैया इस वाले के पास तो कोई जंप स्केयर नहीं है लेकिन गाइस ये वाला कैटनैप देखो भैया बहुत ही ज्यादा डेंजर है। ओए हाँ इसकी मूवमेंट है ना पूरी की पूरी, ये वही ना बात मुन्ना, ये वैसे डेंजर लग रहा है। ए दोस्तों कंपैरिजन में आप लोग बताओगे कि आपको माइनक्राफ्ट का ज्यादा बेस्ट लगा या तो गैरी मोड का, जल्दी से कमेंट के अंदर बताना। ओके गाइस हमने पहले गैरी मोड में देखा, अब हम माइनक्राफ्ट में देख रहे हैं। तो गाइस माइनक्राफ्ट का ये वाला कैटनैप मुझे काफी बढ़िया लग रहा है भैया। लेकिन भैया ये पांडा के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। ओए पांडा को मार नहीं रहा है लेकिन विलेजर को छोड़ नहीं रहा है। ए भैया विलेजर की तो उसने पूरी की पूरी वाट लगा दी, देख रहे हो भैया कैसे मार रहा है। गाइस इसका जंप स्केयर तो बहुत ही ज्यादा डेंजर है। ओए मुन्ने तुरंत ही सामने वाले के ऊपर कूदे जा रहा है और वाट लगा दे रहा है। ए भैया ये देखो पूरे का पूरे बिल्ली की तरह गाइस झपट्टा मार रहे है तो सीधा जैसे बिल्ली चूहे के ऊपर मारती भैया वैसे ही। ओए सही कहा, ये भी शिकार के ऊपर मुन्ना ये क्या, लेकिन ये मर कैसे गया भैया? लगता है दूसरे वाले कैटनैप से टकरा गया और ये दोनों आपस में भिड़ गए। लेकिन गाइस ये वाला डिफीट कैसे हो गया, दिखने में तो ये पावरफुल लग रहा है। ओए ये तो बहुत ही तगड़ा है मुन्ना। अरे ये क्या, विलेजर उसके सर पे चढ़ गया। अरे यार एक एक विलेजर को गाइस ये मार सकता है भैया। ओए इसके पूछ काफी बड़ी है और इसका साइज वैसे पेड़ जितना नहीं है मुन्ना, साइज वैसे ठीक है। अरे भैया गाइस इसके बाद हम देखेंगे नाइट मेयर कैटनैप। ओए इसका संभाले पेड़ का आधा साइज है मुन्ना, पेड़ से ज्यादा बड़ा नहीं है, वैसे बड़ा तो है फिर भी। भैया इसके पूछ देखो कितनी लंबी है। ये भैया बहुत ज्यादा डेंजर। ओए इसके नीचे से रेड रेड क्या निकल रहा है। ए भैया वैसे मुझे ये वाला कैटनैप काफी बढ़िया लगा गाइस, जो कि पर्पल वाला ज्यादा और ये वाला मुझे कुछ खास नहीं लगा। भैया इसको अगर मैं रेट करूँ तो काफी बढ़िया रेटिंग दूंगा, 10 में से 8। और गाइस ये पहले वाले को जिसको हमने यहाँ पे यूज किया वो तो बकवास एकदम ही, उसके लेग वगैरह में कोई मूवमेंट ही नहीं भैया। और भैया उसके पास कोई जंप स्केयर वगैरह भी नहीं है, जिसके बाद यार उसका कोई किलिंग स्टाइल भी नहीं है भैया। ओए मुन्ना उसको रेटिंग तो देनी भी नहीं चाहिए। ए भैया सही कहा। ओके गाइस ये वाला कैटनैप तो काफी ज्यादा डेंजर है और यहाँ पे देख रहे हो इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है। सबसे कूल इसकी मुझे टेल लग रही है और सामने यार इसकी बेल जो लगी पड़ी है ना भैया, वो काफी ज्यादा कूल है। ओके गाइस अब देखते हैं भैया। ओए मुन्ना ये कहाँ जा रहा है,
भैया यार इसको देख लो ना कितना ज्यादा डेंजर है। ओके गाइस फटाफट से रेट करो इसके जंप स्केयर को, बताओ यार किसका ज्यादा बेस्ट लगा, माइनक्राफ्ट या गैरी मोड का। नेक्स्ट गाइस हम देखने वाले हैं, ओए ये तो स्पीकर मैन आ गया। अरे बाप रे भैया स्पीकर मैन ने वैसे उसको मार दिया, इसको नहीं मार पाया। ओए ये क्या मुन्ना नॉनस्टॉप स्पीकर मैन, भैया यहाँ पे दे रहे मैं इतने सारे स्पीकर मैन यूज कर रहा हूँ, लेकिन गाइस यार ये पॉपी प्ले टाइम को डिफीट नहीं कर पा रहे। ओए जो भी है उसकी तो वाट लगने वाली है भैया यार अभी देखना। ओके गाइस अब क्या रिमोट के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे नाइटमेयर कैटनैप को भैया। ये नाइटमेयर कैटनैप यार भैया काफी ज्यादा डेंजर है, और उसका साइज गाइस पहले वाले कैटनैप से बड़ा थोड़ा सा है, और इसकी टेल भैया नीचे डाउन नहीं रहती, हवा में उड़ती रहती, देख रहे हो। ओए मुन्ने टकला भाग कर रहा है, अरे बाप रे भैया इस टकले की वाट लगा दी। ओए भैया इसका तो सिक्सर दे दिया सीधा, ये पड़ा सिक्सर उड़ते हुए सीधा बाउंड्री के बाहर। गाइस ये तो कुछ ज्यादा कमाल हो गया। ओके भैया यहाँ पे आर्मी बॉय को लगाएंगे, और ये क्या, ओए मुन्ना तो मारने का मौका भी नहीं मिल रहा। ए भैया ये गोली अब मार रहा है। ओके गाइस उसके ऊपर एम कर दिया, बाप सीधा नाइट में रह रहा है, और ये दिया इसका फटका। और इसका भी यहाँ पे गेम बजा दिया भैया। ओए यहाँ पे ज्यादा यूज कर मुन्ना, आरपीजी वाला यूज कर मजा आ जाएगा। ए दोस्तों अब आरपीजी वाला यूज करते हैं, चलो भैया ने बोला है तो आरपीजी भैया किधर है, ये रही आरपीजी। ओके गाइस ने आरपीजी वाला बंदा यूज कर लिया, उसने आरपीजी भी चला दी भैया, उसके पास एक ही मिसाइल है दूसरी नहीं है, तो ओ दूसरी भी थी क्या, ये फटा क्या भैया। ओए मुन्ना लेकिन उसने वार्ड लगा दी उसकी भैया, उसकी आरपीजी वहां गिर गई, लेकिन बंदा पता नहीं कहां गायब हो गया। अभी मुझे नजर नहीं आया था, गाइस दोबारा से ट्राई करेंगे ये रहा, और इसने देखते क्या एम कर पाएगा कि नहीं। भैया इसने बहुत ही बढ़िया एम करा, लेकिन नाइटमेयर कैटनैप के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करा, लेकिन गाइस के साथ उसकी तो वाट लग गई भैया। ओए मुन्ना वो पता नहीं कहां गया। ये भैया यार नाइटमेयर कैटनैप वैसे काफी ज्यादा डेंजर है, और इसका मुंह यार कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है गाइस, नीचे खुला पड़ा। ओए मुन्ना वैसे ये इसका मुझे बोन बहुत अजीब लगती है, जो कि बैक बोन है ना, देख रहा है। अरे बाप रे भैया गाइस इसका जंप स्केयर देखा ना आपने, बहुत ही दिल दहलाने वाला। ओके गाइस हम देखेंगे नाइटमेयर कैटनैप माइनक्राफ्ट में कैसा दिखता है। अरे बाप रे भैया ये तो गाइस क्या गैरी मोड के अंदर वाले से काफी ज्यादा डेंजर लग रहा है मुझे। ओए मुन्ना इसका साइज तो देख वैसे, बाप रे तो ट्री से बड़ा है। ए भैया इसका साइज तो वैसे काफी ज्यादा बड़ा है गाइस, ये मुझे काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा है इस माइनक्राफ्ट के अंदर भैया। ओए ये विलेजर्स की, अरे बाप रे विलेजर्स का गेम ओवर। ए भैया इसका मुंह देख रहा हूं 360 घुमा रहा इधर से उधर। ओए मुन्ना तो फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही गलत ही मॉन्स्टर नजर आ रहा है भैया। यहाँ पे एक और मैंने विलेजर स्पॉन करा है, और ये क्या गाइस यहाँ पे विलेजर्स की, ये तो वाट अच्छे से लगा दे रहा है। ओए विलेजर्स पे विलेजर्स मुन्ना, ये भैया देख रहे हो यार ये वाला तो काफी ज्यादा डेंजर है गाइस यार, मुझे गैरी मोड वाले से काफी अच्छा ये वाला लगा, क्योंकि इसका फेस काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा है भैया। ओए सही कह रहा है मुन्ना, ड्रावना काफी लग रहा है। ए दोस्त यार वो रहा देख रहो, ये दूर से वैसे स्पॉट हो यार गाइस, कोई मॉन्स्टर यहाँ पे क्रिएचर घूम रहा है जंगल के अंदर। ओए मुन्ना इसका साइज भी बहुत ही सही है वैसे देख रहा है ना। ए भैया वैसे स्केलेटन की तरह दिख रहा है, और गाइस हमें घूर रहा है। एक काम करते हैं यहाँ पे स्पीकर मैन लगाते, ओ भाई इसने तो स्पीकर मैन को बड़ी आसानी से भैया मार दिया। ओए मुन्ना इतने सारे स्पीकर मैन, ओए मुन्ना ये वाला कैटनैप तो बहुत ही पावरफुल है। ए भैया ये तो माइनक्राफ्ट के अंदर एकदम तबाही लग रहा है, तबाही भैया। ओए विलेजर्स ने इसको पकड़ लिया क्या, मुन्ना इसके पैर ट्री में फंस रहे हैं भैया, लेकिन विलेजर्स इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते भैया। ओके गाइस विलेजर्स को उसने चुटकियों में हरा दिया भैया। ओए विलेजर्स कोई फाइटर नहीं है, अरे भैया फाइटर भी होता तो फिर भी कुछ नहीं कर पाते भैया। ओए ये जो भी है बहुत ही तगड़ा लग रहा है मुन्ना। ए भैया मजे आ गया गाइस यार, ये वाला नाइटमेयर कैटनैप माइनक्राफ्ट के अंदर तो पूरा का पूरा तबाही है, और इसके सामने भैया ये क्या स्पीकर मैन, जो कि गाइस यार बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा भैया, आते ही गायब हो जा रहा है। ओए मुन्ना ये कौन तगड़ा है। ए भैया अभी देखते हैं गाइस नेक्स्ट अपन देखेंगे मिस डिलाइट को। ओए मिस डिलाइट के पास तो एक खतरनाक वेपन होता है, ओए किल से बना हुआ है, पेंसिल से बना है भैया, जिससे भी बना बहुत ही ज्यादा डेंजर है गाइस। ये वेपन जिसको भी पड़ता है ना वो सीधा उसका गेम ओवर होता है। देखते हैं साइंटिस्ट, अरे दोस्तों साइंटिस्ट को यहाँ पे तो सीधा अरे दुम दबा के साइंटिस्ट गाइस यहाँ से भाग रहा है। अरे भैया ओए मुन्ना इसको सामने लेके जाओ। ए मिस डिलाइट गाइस यार यहाँ पे, ये दिया कहाँ गया, ओ इतना दूर गया भैया वो तो। ओए दोबारा देखते हैं, बहुत दूर मार रही है तो।
भैया इसने अपने वेपन को तो एक बैट बना के यूज करी है। दूर इतना दूर मारी वे एनिमी को कि मैं क्या बताओ। ओके गाइस अब यहाँ पे हम भेजेंगे एक सोल्जर जो कि आरपीजी रखेगा अपने पास में। लेकिन इसकी मशीन गन तो यहीं पे रह गई और इसने बहुत ही तगड़े तरीके से डिफीट कर दिया। ओए अब देखते हैं कौन है। ए भैया ये देखो आरपीजी वाले बंदे को भी मैंने यहाँ पे भेज दिया। इसने एक आरपीजी भेजी लेकिन यहाँ पे दोस्त कर दी चपड़ गंज को। ये लो निशाना भी ढंग से नहीं लगा पाया। ओए इसने बाउंड्री पे मार दी पूरी की आरपीजी। ए भैया सही का मिसाइल। एक काम करते हैं यहाँ पे अभी सोल्जर स्पॉन कराते हैं। गाइस देखते हैं क्या मिसाइल डिलाइट इतनी फास्ट है कि सारे के सारे सोल्जर को डिफीट कर पाएगी कि नहीं। ओए सही कह रहा मुन्ना। ए भैया यहाँ पे ए अरे अरे रुको 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 यहाँ पे साइड पे स्पॉन कराता हूँ। गाइस यार एक को तो ये आराम से मार देगी भैया। ओए बहुत सारे मुन्ना। ए भैया ये देखो यहाँ पे गाइस यार यहाँ पे सोल्जर भी इसको मार क्यों नहीं रहे। ओए मुझे क्या पता। अरे भैया सोल्जर अपने वेपन को यहाँ पे कम यूज करें। ओके गाइस मैंने यहाँ पे इतने सारे सोल्जर स्पॉन करा दिया लेकिन गाइस मिस डिलाइट वाकई में काफी ज्यादा दौड़ी है। ओए मुन्ना मर जाएगी मुझे लगता है तूने कुछ ज्यादा सोल्जर स्पॉन करा दिया है। इसको तो छल्ली कर देंगे। ए भैया देखते क्या होने वाला है। गाइस यहाँ पे कौन हारेगा। क्या मिस डिलाइट सबको डिफीट कर पाएगी कि नहीं। ओए मुझे तो नहीं लगता है। बाप रे मुन्ना इसने कर दिया क्या। ए भैया इसने एक बार में चार बंदों को मार दिया यार देखा भैया। ओए ये तो एक इससे पहले किसी ने पूरी आर्मी को नहीं डिफीट करा मुन्ना। ए भैया इसने तो कमाल कर दिया क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है गाइस यार। सामने वाले को स्टन भी कर देती है। ओके गाइस यार ये तो काफी ज्यादा पावरफुल नाइटमेयर कैट ने भी पूरी आर्मी को डिफीट नहीं कर पाया था भैया। ओए लेकिन इसने कमाल कर दिखाया मुन्ना। इसने तो तबाही लगा दी तबाही। अरे बाप रे भैया इसने तो मेरा एक खोपड़ा फोड़ दिया। ओके गाइस अब मिस डिलाइट को अभी इस वर्जन में देखने वाले हैं जो कि माइनक्राफ्ट वर्जन में। गाइस माइनक्राफ्ट वर्जन में यहाँ पे मिस डिलाइट स्लो मोशन में क्यों चल रही है। ओए ये डांस कर रही है क्या। भैया विलेजर्स को भेजते हैं। अरे बाप रे क्या विलेजर्स जो टप्पा मार के हवा में उछल गया भैया। ओए बैम्बू में बहुत ज्यादा हॉरर लग रही है मुन्ना ये तो। ए भैया फिर से एक टप्पा मारा हो। वैसे गाइस मिस डिलाइट देखो कितना नॉर्मल बिहेव कर रही है जैसे कि वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहती। लेकिन जैसे विलेजर्स के सामने आ रहे ये तुरंत ही झपट्टा मार के उसका गेम ओवर भैया। ओए ज़ॉम्बी इसका भाई है क्या उसके ऊपर अटैक नहीं करा। ए भैया ज़ॉम्बी नहीं ये विलेजर्स को मार रही है। लगता है गाइस ये बहुत ही चालाक है इससे भैया पता है इसको किसको मारना है किसको नहीं। इसने ज़ॉम्बी को तो नहीं मारा भैया। ओके गाइस सबसे पहले मिस डिलाइट कुछ ऐसी नजर आती थी कितनी ज्यादा क्यूट भैया। और उसके बाद गाइस यार मिस डिलाइट देखो कितनी ज्यादा डेंजर हो गई। ओए मुन्ना दोबारा से फेस दिखा भैया रुको यार। ओके गाइस अब स्पीकर मैन वर्सेस मिस डिलाइट देखते कौन जीतेगा। लास्ट टाइम अपने देखा था कि यार कैट नेम नाइटमेयर कैट नेम ने एक सेकंड के अंदर यार ये मैं स्पीकर मैन को मार दिया था। ए भैया ये इसकी क्यूट स्माइल और साथ में हेलो कर दिया इसने भैया। ओए यहाँ पे तो स्माइल नहीं यहाँ पे तो मुन्ना जहर जहर। अरे भैया यहाँ पे तो जया भटाभट मार रही है लेकिन गाइस स्पीकर मैन यहाँ पे डिफीट नहीं हो रहा है। लेकिन नाइटमेयर कैट नेम ने यार इधर माइनक्राफ्ट में स्पीकर मैन को बहुत ही आराम से डिफीट कर दिया था। ओए इसको लगता है बहुत सारी चाहिए मुन्ना। ए भैया यहाँ पे तीन तीन मैंने भेज दी तब जाके कहीं स्पीकर मैन डिफीट हो पाया। ओके गाइस यार यहाँ पे बहुत ही क्रीपी साउंड भी कर रहा है भैया। ओए विलेजर्स तो कुछ भी नहीं है मुन्ना इनके सामने। ए भैया विलेजर्स को तो फुटबॉल बना बना के उड़ा रही है। और गाइस यार इसमें का जंप स्केयर काफी ज्यादा सही लगा। और भैया ओए अब मुन्ना डॉग डे रह गया। ए भैया डॉग डे रह गया। ओके गाइस मिस डिलाइट को हमने देख लिया। ये क्या बैम्बू खा रही है क्या। ओए ये पांडा है क्या। ए भैया लगता है पांडा से इंस्पायर है क्या। अरे भैया मुझे देख रही है। ओए दूर रह कहीं तेरे को फटका ना दे दे। अरे नहीं नहीं भैया अच्छा दूर है लास्ट टाइम गैरी मोड में दिया फटका। अरे भैया ये मुझे पकड़ना चाहती है लेकिन। ओके गाइस हम यहाँ पर देखेंगे डॉग डे को भैया। ओए ये डॉग डे आ गया। अरे बाप रे मुन्ना। ए भैया ये तो साइंटिस्ट के ऊपर चढ़ गया और उसने उसकी वर्ट लगा दी। ओए ये काफी ज्यादा तेज है मुन्ना इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तगड़ी है। अरे भैया सही का यार यहाँ पे साइंटिस्ट भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन डॉग डे गाइस बहुत ही जल्दी इसको कैच कर ले रहा है। अभी देखते क्या इसको कैच कर पाएगा कि नहीं भैया। ओए इसने नोटिस नहीं करा उसको। अरे यार ये साइंटिस्ट तो धूम दबा के भागने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। गाइस देखते एक बार इसके पीछे लगा दे फिर हम इसको थोड़ा दूर कर देंगे।
और इसकी चेजिंग स्पीड देखने वाले, ओए भागने दो से। अरे बाप रे गाइस, यार वहाँ पे साइंटिस्ट भाग रहा है और पीछे से डॉग डे चेस कर रहा है। और ये क्या भैया, इसने पकड़ लिया उसे। भैया बहुत बुरी तरीके से उसकी वाट लगा दी उसने तो। ओए ये देख रहा है ये भैया, अभी सोल्जर को अभी भेज के देखते हैं क्या होने वाला है। बाप रे भैया ये क्या हुआ, ओए इतने सारे सोल्जर। भैया अभी देखते हैं क्या ये डॉग डे इन सारे सोल्जर को मार पाएगा कि नहीं। गाइस इतने सारे सोल्जर को फाइनली मिस लाइट नहीं मारा है और अभी तक कोई डिफीट नहीं कर पाया यार इनको। ओए मुन्ना मुझे तो लग, अरे ये क्या, ये तो बड़ी जल्दी मर गया। अरे भैया सही कहा, अरे ये तो मेरे पीछे आ रहा भैया। अरे बाप रे मुन्ना, झपट्टा मारो और गेम ओवर। चलो गाइस हमने गैरी मोड के अंदर देख लिया, अब यहाँ पे भी हम देखते हैं क्या डॉग डे माइनक्राफ्ट के अंदर भी इतना पावरफुल है कि नहीं भैया। ओके गाइस हमारे पास माइनक्राफ्ट में डॉग डे के 3 वर्जन है, एक भैया हैंग आओ रहता है और भैया, ओए मुन्ना ये बहुत ही क्रीपी है भैया, इससे भी ज्यादा क्रीपी होता है, उसका साउंड तो बहुत ही डेंजर है और भैया उसका जंप स्केयर भी। ओए ये विलेजर्स को मार क्यों नहीं रहा है भैया, पता नहीं यार उसको समझ नहीं आ रहा क्या किसको मारना है किसको नहीं। अरे इसको हो क्या रहा है भैया, तो स्टन हो गया है। ओए ये बौखला गया क्या, अरे भैया पता नहीं इसको हो क्या रहा है। ओके गाइस एक काम करते हैं, हम दूसरा डॉग डे स्पॉन करके देखते हैं। भैया ये देखो भैया कैसे इसने अटैक करा और फिर वो वाला भी एक्टिव हो गया। ओए ये तो ढूंढ ढूंढ के विलेजर्स की वाट लगा रहा है भैया, यहाँ पे देख रहे हो ना ये ज़ॉम्बी वाले ने विलेजर्स के ऊपर अटैक करा। ओके गाइस ये वाला देख रहा बहुत ही ज्यादा डेंजर लग रहा है। ओए मुन्ना ये ऐसे हैंग आउट रहता है, अरे भैया सही कहा ऐसे हैंग रहता है। ओके गाइस यहाँ पे डॉग डे स्माइलिंग वर बहुत ही ज्यादा छोटा वाला भी था। ओए ये दोस्तों अभी यहाँ पे हम भेजेंगे स्पीकर मैन, देखते हैं स्पीकर मैन कितना देर टिकता है। अरे जाने से पहले खत्म कर दिया भैया ऐसे तो। ओए मुन्ना डॉग डे की तूने पूरी आर्मी स्पॉन करा रखी तो अकेले स्पीकर मैन क्या कर लेगा। अरे भैया स्पीकर मैन कोई मामूली ह्यूमंस नहीं है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है स्पीकर मैन। लेकिन यहाँ पे यार डॉग डे ने इसकी वाट तो लगाई दी भैया सही में। ओए सही कह रहा मुन्ना, क्यों ना एक बार चैंपियनशिप करवा के देख ही ले जाए, क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट वर्सेस पॉपी प्ले टाइम, क्या दोस्तों क्या बोलते हो कमेंट के अंदर चालीस बताओ। ये दोस्तों सही कहा, क्या पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 वर्सेस यहाँ पे स्किबिडी टॉयलेट टीम से फाइट करवा के देखी जाए। उनके टाइटन वर्जन यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल वाले वर्जन यूज करेंगे, क्योंकि टाइटन तो कुछ ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएंगे और जायंट भी ओवर पावर्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनके इतने जायंट नहीं है नॉर्मल साइज के। तो गाइस आज का कंपैरिजन कैसा लगा चलिए से कमेंट में बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता